हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं सुनील कौशल, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ढेर सारी जॉब्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में आप खुश होंगे ये जान के, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम है अमिटी यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में ढेर सारी जॉब निकली हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अब वेबसाइट पे लेके आया हूँ अमिटी यूनिवर्सिटी की। और आपको पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। और यहाँ पे अब लेटेस्ट जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में इसलिए ज़रूरी है जानना कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें 15,000 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हो चुकी हैं और 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 100+ पेटेंट फाइल्ड बाई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। लगभग 1200 एकड़ का कैंपस है, 13-20 स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, 9 इनकी यूनिवर्सिटीज हैं, 26 स्कूल हैं और 6 प्री स्कूल्स हैं। कुल मिला के 14 इंटरनेशनल और ओवरसीज कैंपसीज हैं अक्रॉस, ठीक है। वर्ल्ड में भी इनकी ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में, और 300 से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज, ढेर सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैंपस इनके नोएडा, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, देन ग्वालियर, उसके अलावा मुंबई, ग्रेटर नोएडा, रायपुर, रांची, पटना, बहुत जगह इनके कैंपसेस हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि कोरोना के बाद अब वैकेंसीज निकलनी शुरू हो गई हैं, चाहे ऑनलाइन काम करना है चाहे ऑफलाइन काम करना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने अपना काम तो करना है और उसके लिए एम्प्लॉयज जो जो स्टाफ है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर करूँगा कि अप्लाई आप लोगों ने करना कैसे है। ये तरीका ज़रूर आप लोगों ने आज समझ लेना है इस बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नए पेज पे लेके आया हूँ। यहाँ साफ लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल इन दी बिलो एप्लीकेंट फॉर्म टू अप्लाई फॉर दी पोजिशन एट अमिटी यूनिवर्सिटी। अगर आप अमिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या इसके डिफरेंट ब्रांचेज में काम करना चाहते हैं तो इन फॉर्म्स को भरना है। तो आपके पास 4 तरह की नौकरियां यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती हैं, फैकल्टी या रिसर्च पोजीशन, एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, रिसर्च या प्रोजेक्ट पोजीशन और नॉन एकेडमिक पोजीशन। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, कौन सा वो फॉर्म है जो फिल करना ज़रूरी है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं फैकल्टी एंड रिसर्च पोजिशंस पे अगर बात करूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नया जो पेज है वो ओपन होके आएगा। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये सारे इसके जो कॉलम्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये सारे आप लोगों को फिल करने होते हैं। सिंपल रिज्यूम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने काम करना है, अप्लाई करना है, आप लोगों को फिल करना है ये कम्प्लीटली। सारे बॉक्सेस जो आपके काम के नहीं है वहाँ लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे अपना फोटो और यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है और यहाँ पे सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इन जो भी आपकी जिस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, जैसे मैं इस पे रिसर्च पोजीशंस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने रिसर्च पोजीशंस का एक नया पेज खोल करके सामने आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप रिसर्च पोजीशन ना करके आप नॉन अकेडमिक पोजीशंस में, जहाँ पे आपको टीच नहीं करना है वहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अलग फॉर्म है। तो आप लोगों ने ये फॉर्म भरना है, मतलब एक ही फॉर्म नहीं, सबने भर देना है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन के लिए, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशन पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है।
अब मैं आप लोगों को, अब इन चारों के चारों जो लिंक्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज कौन कौन सी निकली हुई हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक ओपन वैकेंसीज, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम डिप्टी रजिस्ट्रार और 22, ये यहाँ पे ये सारी अपडेट है, ठीक है, ये अपडेट्स हैं यहाँ पे सारी की सारी आपके सामने, और ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए ओपन है। लेकिन इसके अलावा मान अलग अलग डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लेटेस्ट जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं अमिटी यूनिवर्सिटी, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी आई है, इनवाइटिंग एक्सेप्शनल रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन फैकल्टी। तो देखिए, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन एक्टिंग, एक्चुरियल साइंस, एडवर्टाइजिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म, लॉ, मतलब सभी तरह की वैकेंसी, मैरीन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवनिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, हर डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की वैकेंसीज यहाँ पे, ट्रैवल टूरिज्म, टेलीकॉम, सबकी वैकेंसीज निकली हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी पोजीशंस हैं, डीन्स, डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कितने ही इनके इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के लिए डीन्स और डायरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, पीएचडी आप लोगों की कंपलसरी है, इन द रिलेवेंट एरिया इज कंपलसरी, कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल एंड नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, स्कोपस WS इंडेक्सेस पब्लिकेशंस ऑफ हाई क्वालिटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, एक्सपीरियंस एज पर UGC नॉर्म्स रहेगा आपका, अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज बेस्ड होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी आप लोगों को मेंशन किया है, टॉप ग्लोबल रैंकिंग्स एंड एक्रेडिएशंस, और इसके अलावा कल्चर ऑफ इनोवेशन, रिसर्च फोकस फैकल्टी। तो देखिए, ये सबसे मेन चीज जो है आप लोगों के लिए वो ये है, क्योंकि आप लोगों को तो नौकरियां चाहिए, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपने चाहे कोई भी कोर्स किया हुआ है, उन सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, फॉरेंसिक साइंस, फाइन आर्ट्स, फाइनेंस, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, तो इन सभी जॉब्स के लिए अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है वो इन्होंने नीचे साफ तौर पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। प्लीज सबमिट योर डिटेल्स, आपने सिंपल बायोडाटा नहीं भेजना है फ्रेंड्स, प्लीज सबमिट योर डिटेल्स एट www.met.edu.career। तो फिर से मैं आप लोगों को वापस अमिटी यूनिवर्सिटी के करियर्स के पेज पर लेके आ गया हूँ। तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए। अब ये इनकी जो साइट पे दिखा रही है वैकेंसीज अलग अलग डेट्स के लिए, देखो 17 अप्रैल की वैकेंसीज यहाँ पे, अप्लाइड एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाई है ये लेटेस्ट आई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने डेट्स ये नहीं देखना कि इस पर डेट्स अलग अलग हैं, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखाई है मैंने, दैट इज इन अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। इसके बावजूद अगर आप लोग लेट भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आप लोगों को आई एम श्योर कॉल जरूर आएगी अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब्स के साथ मैच करता है इस यूनिवर्सिटी की। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि अमिटी यूनिवर्सिटी में ढेर सारी नौकरियां आप लोगों के लिए निकली हैं। आप लोगों को मैं ये जो लिंक है अमिटी यूनिवर्सिटी का ये भी, और करियर्स का जो लिंक है ये भी, दोनों लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।